हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस रिवर्स स्मोकी लाइनर लुक। सो अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। एंड जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल पार्ट। सो आज की वीडियो में मैं यूज की हूँ मामाअर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे कोल, जिसमें है कैस्टर ऑयल एंड कैमोमाइल, बिकॉज इट इज मच प्रूफ, वाटर प्रूफ, वेगन, क्रुएल्टी फ्री, साथ में 11 आवर्स तक आपको लास्ट करता है एंड ऑल्सो टॉक्सिक फ्री। सो ये कोल पेंसिल है, इसके साथ में आपको एक शार्पनर भी मिलता है बिकॉज इसको शार्प करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और आपको मामाअर्थ के चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टिक काजल भी अवेलेबल होगा विथ विटामिन सी एंड कैमोमाइल, जो कि रिट्रैक्टेबल काजल है। सो अगर आपको कोल पेंसिल नहीं लेने का मन है तो आप रिट्रैक्टेबल पेंसिल भी ले सकते हो, जो कि आपको शार्प करने की जरूरत नहीं होता है। ये भी स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, क्रुएल्टी फ्री, वेगन, टॉक्सिक फ्री एंड 11 आवर्स तक आपको लास्ट भी करता है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये स्मज प्रूफ है कि नहीं। तो मैं अपने बैक ऑफ दी हैंड पे दोनों को स्वाच कर लूंगी सबसे पहले, एंड उसके बाद मैं इसको अपने फिंगर के हेल्प से स्मज करने की ट्राई करूंगी। सो आप देख सकते हो ये स्मज नहीं हो रहा है, तो ये स्मज प्रूफ है। इसके बाद मैं कॉटन बॉल में पानी लेके इसके ऊपर अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद मैं इसको स्मज करूंगी। एज यू कैन सी अभी भी ये स्मज नहीं हो रहा है, ये वाटर प्रूफ भी है। सो ये आपको बहुत देर तक लॉन्ग लास्ट करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन पार्ट। तो यहाँ पे मैं काजल को सबसे पहले अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी, थोड़े से थिक यहाँ पे अप्लाई करूँ, बट थोड़ा कम पोर्शन में अप्लाई करते हुए आगे बढ़े, बिकॉज ये स्मज प्रूफ है तो बहुत जल्दी ये सूख जाएगा। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन में अप्लाई करते हुए स्मज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लड शेडिंग ब्रश ले लिया है, छोटा सा ब्रश लेना है आपको ताकि आपको ईजी हो, प्रिसाइजली आप इसको काम कर पाए इस पर। तो इसको मैं स्मज करूंगी लोअर वाटर लाइन पे एंड इसके बाद मैं सेम काजल को अप्लाई करूँ अपने आउटर वी पे एज ए विंग, और जस्ट मैं लैश लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ। एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है यहाँ पे, एंड उसको मैं स्मज करते हुए कनेक्ट कर लूँगी अपर लैश लाइन के साथ। सो मुझे ये काजल बहुत अच्छा लगा, आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करके देखो। सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल, और जब भी आप उनके वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक करते हैं, जो कि वो लोग प्लांट करते हैं और उसका एग्जैक्ट जियोलोकेशन, पिक्चर एंड स्पीसीज भी आपके साथ शेयर करते हैं। एंड ऑल्सो मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड एंड मामाअर्थ हैज देयर ऑफिशियल ऐप, सो यू कैन गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद एक शिमरी शेड ले लूंगी, ये काइंड ऑफ पिंक अंडरटोन शिमरी शेड है, और उसको ऑल ओवर लिड पे अप्लाई कर रही हूँ एज यू कैन सी, एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं मस्कारा को अपर एंड लोअर लैशेस पे कोट कर लूंगी एंड फिनिश करूंगी आई मेकअप को विद सम हाइलाइटर इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करके। एंड इसके बाद मैं फोर्स आई लैशेज अप्लाई की हूँ एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का लुक। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो चेक कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।